और वहीं बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। हेमंत सोरेन ने कोर्ट में याचिका दी है कि विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति दी जाए। हाईकोर्ट ने उनके इस याचिका को ठुकरा दिया था। सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। तो देखना होगा कि हेमंत सोरेन को राहत मिलती है या नहीं, क्योंकि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से याचिका लगाकर यह मांग की गई है कि उन्हें बजट सत्र में शामिल होने की परमिशन दी जाए। चलिए, सुनवाई महत्वपूर्ण है, इस पर नजर रहेगी हमारी।